गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अजय गुप्ता आप लोगों के इस मैट्रिक्स के चैप्टर लेकर आए हैं। इसके पहले मैट्रिक्स के मिसलिनियस एक्सरसाइज का 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हो गया था, अब फिफ्थ क्वेश्चन से पढ़ाएंगे, तो आप लोग रेडी हो जाइए। आर यू रेडी? यस। तो आइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। If A is symmetric matrix, then show that B dash AB is symmetric. And if A is skew symmetric matrix, then B dash AB is skew symmetric matrix. Symmetric मतलब सममित, और skew symmetric मतलब विषममित, विषम सममित, सममित या मित दोनों कहा जाता है। सिमेट्रिक मतलब सममित, केवल मित या मित दोनों सही है। तो सर्वेक्षण देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। लेट सी इज इक्वल टू जो दिया गया है बी डैश ए बी, ये मान ली। एंड इफ दिया ही है ए सिमेट्रिक होने का मतलब ए डैश इज इक्वल टू ए होना चाहिए, तो गिवन नहीं है। तो यहां इसका सी डैश अगर कर दिया जाए, सी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डैश ए बी का होल डैश। डैश मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय डैश? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो अब यहां से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी डैश ए बी अलग कर लीजिए, यहां पे होल डैश लगा दीजिए। अब क्या होता है, यह ट्रांसवर्स हो जाता है, यानी पहले ये आ जाएगा ए बी का डैश, और फिर यह जो लिखा गया बी डैश का होल डैश, बी डैश का होल डैश, तो ये क्या बनेगा, फिर यहां सिमेट्रिक हो जाएगा, यहां बी डैश ए डैश, और ये बी डैश का मतलब क्या हो जाएगा, बी डैश का डैश करेंगे बी हो जाएगा, बी डैश का डैश करेंगे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए यहां को रखना क्या है, ए डैश की जगह पे ए रखना है, इसको रख लीजिए, तो क्या बनेगा, बी डैश हो जाएगा, और यहां पे ए डैश की जगह ए रखना है ए बी, तो बी डैश ए बी यही तो आ जाए। सी डैश का वैल्यू यहां से देखिए सी आ रहा है, सी डैश का वैल्यू अगर सी खुद आ जाए वही तो है, देखिए जो यहां लिखा गया है वही चीज तो यहां आया, बी डैश ए बी, बी डैश ए बी तो वही आ रहा, तो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, यही लिख दे रहे हैं, देयरफॉर बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हिंदी भी लिख दे सममित, चलिए सममित ही लिख दे रहे हैं, मित मित दोनों रहता है। दूसरा इसी को ये तो पहला प्रूफ हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट केस हो जाएगा इसका, फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में भी उसी तरीके से लेट सी इज इक्वल टू बी डैश ए बी, या अलग बदल कर लिख दीजिए, इसको डी मान लीजिए यहां पे। एंड गिवन क्या है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब देखिए इसका डैश लेंगे क्या हो जाएगा, बी डैश ए बी का होल डैश हो जाएगा, इसको एक साथ ही लिख दे रहे हैं। अब क्या बनेगा, रिवर्सिबल लॉ होल्ड करेगा, ए बी का होल डैश और ये बी डैश का होल डैश इज इक्वल, ये रिवर्सिबल लॉ, बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश, ये बताए हैं क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी आया ए डैश की जगह क्या माइनस ए लिखना है, ये हो जाएगा बी डैश माइनस ए इंटू बी। अब माइनस इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, डी डैश इज इक्वल टू माइनस बाहर ले ले तो बचेगा क्या, बी डैश ए बी, अब बी डैश ए बी को ही क्या माना गया है, डी माना गया, तो ये हो क्या जाएगा डी, यानी डी डैश इज इक्वल टू क्या, ये माइनस रहेगा माइनस डी, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक,
इसकी सिमेट्री विषममित है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इतना नोट करिए। अगला बता रहे हैं सिक्स प्रश्न में, इफ ए इज इक्वल टू गिवेन है सेटिस्फाई ए डैस इनटू ए इज इक्वल टू आई फाइंड एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना है। यदि ए का मान दिया गया हो और संतुष्ट कर रहा हो किसको, ए डैस ए इज इक्वल टू आई, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सॉल्यूशन इसका देखिए कैसे बनेगा। ए का वैल्यू गिवेन ही है तो ए लिख दें, पहले ए डैस निकाल लें, ए डैस कह रहा हूं तो ए डैश क्या होगा, डैश मीन्स अभी बताए हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जीरो जो इधर है वो नीचे हो जाएगा जीरो टू वाई जेड फिर एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, यह हो गया। ए को फिर से लिख दे रहे हैं पर मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगा, जीरो टू वाई जेड वैसे बता दे रहे हैं एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, यह आई भी लिख दें, आई इक्वल टू थ्री क्रॉस थ्री का है वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसी के अकॉर्डिंग करें, कह रहा ए डैश ठीक है ना, क्या लिखना है ए डैश इज इक्वल टू आई बनाना है। अब देखिए क्या बनेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए ए डैश का इसमें, तो मल्टीप्लाई करिए क्या बनेगा, जीरो का जीरो में जीरो हो जाएगा, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स में प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया। क्या है फिर से देख लो मल्टीप्लाई सही है, जीरो का जीरो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर देखिए अब इसी का यहाँ पे जीरो हो जाएगा, एक्स का वाई में प्लस में एक्स वाई और इसका एक्स का वाई में माइनस एक्स वाई, ठीक है। फिर इसी का जीरो का जड़ में जीरो हो जाएगा, माइनस में एक्स जड़ प्लस में एक्स जड़, इसी तरह टू वाई का जीरो में जीरो, वाई का एक्स में एक्स वाई, इसका माइनस में एक्स वाई, टू वाई का टू वाई में क्या बनेगा, टू टू जा फोर वाई स्क्वायर, वाई का वाई में हो जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस में वाई स्क्वायर, टू वाई का जड़ में क्या बनेगा, टू वाई जड़ y का y में मल्टीप्लाई करिए क्या बनेगा, y का जड़ में माइनस में क्या बनेगा y जड़, ठीक है ना। देखिए 2y का जड़ में 2y जड़, फिर y का जड़ में y जड़ माइनस हो जाएगा क्या बनेगा y जड़, जड़ का जीरो में जीरो माइनस में जड़ एक्स हो गया और फिर यह प्लस में जड़ एक्स, भाई बताया ना कैसे चलेगा, यह इधर चलेगा यह डाउन डायरेक्शन में चलेगा, इसी तरीके से काटा है। फिर जड़ का टू वाई में टू वाई जड़ माइनस वाई जड़ माइनस प्लस माइनस में वाई जड़, फिर जड़ का यहां पे जड़ स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में जड़ स्क्वायर प्लस में जड़ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आई है, आई को लिख दें वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। अब सॉल्व करके तब कंपेयर करें, थोड़ा सॉल्व कर लें क्या बनेगा, अब देखिए यहां से टू एक्स स्क्वायर और एक्स वाई से यह कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, ये भी कैंसिल होकर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा जीरो, यहां पे फोर वाई स्क्वायर वन फाइव वन सिक्स सिक्स वाई स्क्वायर, यहां यहां से कितना हो जाएगा टू वाई जेड और यहां से यह भी पूरा कैंसिल होकर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यहां भी जीरो हो गया, यह क्या बनेगा टू वाई जेड और टू वाई जेड यह भी कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, यहां क्या बना थ्री जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन ऑन कंपेयरिंग,
ठीक है ना, ऑन कंपेयरिंग यहां लिख दे रहे हैं ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग यानी तुलना करने पर, तुलना करिए क्या बनेगा, तुलना करके बताइए क्या बनेगा, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट वन है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा वन बाय टू, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाय टू हो गया, ये सब जीरो है कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे सिक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय सिक्स, वाई का वैल्यू प्लस माइनस वन बाय क्या बनेगा रूट में सिक्स, यहां भी रूट रहेगा ठीक है। इसी तरीके से अगला देखिए, थ्री जेड स्क्वायर, थ्री जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय थ्री, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस में वन बाय रूट थ्री, तो यहां से अलग हम लिख दे रहे हैं एक्स का वैल्यू क्या बना आंसर, एक्स इज इक्वल टू कितना आया प्लस माइनस वन ओवर रूट टू, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ओवर रूट सिक्स, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ओवर रूट थ्री। आप लोगों को आया होगा समझ में, एक बार फिर से देख लीजिए क्या किए हैं, ए डैश ए, तो ए डैश निकाल लिए, ए निकाल लिए, आई लिख दिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए डैश ए इसका रो की तरफ और ये कॉलम की तरफ मल्टीप्लाई करके ये स्टेप आ गया, उसको इसके लिख दिए, जो ऐड करने वाला ऐड कर लिए, बाकी अपना सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल हो गया। अब ऐसा लिखा हो तो किस ऑर्डर कौन सा है, किस ऑर्डर में, त्रिक्रास्तरी ऑर्डर का है। अब इस मैट्रिक्स का क्या नाम है अगर पूछ लिया जाए, कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और यहाँ कंपेयर कर लिए है, तुलना कर लिए, तुलना करने पे एक्स वाई जेड का अलग अलग वैल्यू आ गया, तो नोट कर लीजिए ये इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिए क्या आ जाएगा। चलिए हम भी सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान बताइए, इफ ये मैट्रिक्स दिया गया, ये मैट्रिक्स दिया गया, ये मैट्रिक्स दिया गया और जीरो मैट्रिक्स दिया गया, इक्वल होना चाहिए, तो सॉल्व देखिए, सॉल्यूशन देखिए क्या बनेगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, या इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिए, किसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मान लीजिए इसका हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यही साइड में चलेगा, यही साइड में चलेगा, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन है नोट कर रहे हैं, ये तो रहेगा ही, आप लोग क्वेश्चन नोट करके करिएगा, वन टू वन, आप लोग पहले प्रश्न को उतार लीजिएगा तब लिखिएगा, ऐसा नहीं इसी तरीके से मल्टीप्लाई करिए, वन का जीरो में जीरो हो जाएगा, टू का टू में फोर हो जाएगा, फिर जीरो का वन का जीरो में जीरो, टू टू या फोर, और जीरो का एक्स में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, फिर क्या इसका अगले में भी होगा, नहीं होगा, है ही नहीं कोई, फिर टू का जीरो में जीरो हो गया, जीरो का जीरो हो जाएगा, वन का एक्स में एक्स हो जाएगा, फिर वन का जीरो 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 टू एक्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स अभी ऐसे रहने दीजिए, जिस ऑर्डर का बनेगा उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स बना देंगे। अब क्या बनेगा ये वन टू वन, ये हो गया, यहां क्या बन रहा है देखिए फोर एक्स टू, सही है बताइए, सही है, हम गलत लिख रहे हैं आप सही हैं, देखिए वन जीरो जीरो हो जाएगा, टू जीरो हो जाएगा, टू एक्स का एक्स हो जाएगा, यहाँ क्या होना चाहिए एक्स होना चाहिए, ठीक है ना, इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है। अब इसका क्या मल्टीपल पॉसिबल है, देखिए वन क्रॉस ये वन रो और थ्री, वन क्रॉस थ्री का है ये, थ्री क्रॉस वन, इसलिए पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करिए क्या बनेगा, वन का फोर में फोर हो जाएगा, टू का एक्स में प्लस में टू एक्स, वन का टू एक्स में टू एक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए सबको ऐड कर लीजिए, बचेगा क्या यहां से, फोर प्लस में फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, जीरो हो जाएगा मैट्रिक्स के रूप में, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कंपेयर करी क्या बनेगा, फोर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो, फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस में फोर,
एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर बाई फोर, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, यही आपका आंसर है। इजी है, आप लोग भी लगा लिए होंगे, जिसका नहीं आया वो नोट कर लें। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, देन सो दैट ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इज इक्वल टू जीरो। आई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, इकाई आप भी है, तो सॉल्व करिए आप लोग सॉल्व करिए ना, हम भी सॉल्व कर दे रहे हैं, जिसका नहीं आएगा सॉल्व कर दे रहे। देखिए पहले ए स्क्वायर चाहिए, डायरेक्ट हम सोल्यूशन क्या दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन नोट करके करिएगा। डायरेक्ट सोल्यूशन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो ए का वैल्यू लिख ले थ्री वन माइनस वन टू, फिर से वही लिखना है थ्री वन माइनस वन टू, मल्टीप्लाई करिए, एक ही लाइन लिख दे रहे हैं, जगह कम है, ये रो की तरफ, बार बार बताते हैं ये कॉलम की तरफ, थ्री थ्री जाना है, फिर वन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, फिर थ्री वन जा थ्री, फिर क्या बनेगा, थ्री वन जा थ्री, वन टू जा टू, सही है ना। देखिए थ्री थ्री जा नाइन, वन वन जा वन, थ्री वन जा थ्री, वन टू जा टू, यहाँ फिर इसका मल्टीप्लाई बारी बारी से, वन का थ्री में तो माइनस है तो माइनस थ्री हो जाएगा, टू का माइनस में माइनस टू, फिर माइनस वन का माइनस वन, टू टू जा फोर, क्या बनेगा, नाइन से वन निकालेंगे एट, थ्री टू फाइव, थ्री टू फाइव, फोर से वन निकालेंगे थ्री हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया माइनस फाइव ए, डायरेक्ट फाइव ए निकाल लें, फाइव ए का वैल्यू क्या बनेगा, जो ए है उसमें फाइव का मल्टीप्लाई, तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव वन जा फाइव, फाइव वन जा फाइव माइनस में, फाइव टू जा टेन, फाइव ए हो गया। और क्या चाहिए, सेवन आई की चाहिए, सेवन आई चाहिए तो पहले आई लिख दे, तो सेवन का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, वन जीरो जीरो वन, अब इसी में हमको सेवन आई चाहिए, सेवन आई, सेवन आई क्या हो जाएगा, सेवन जीरो जीरो सेवन हो गया। अब जो कह रहा है उसका एलएचएस देख लीजिए, एलएचएस का वैल्यू क्या है, कह रहा ए स्क्वायर का वैल्यू माइनस फाइव ए का वैल्यू प्लस सेवन आई का वैल्यू चाहिए, तो लिख लीजिए सब, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है, एट फाइव माइनस फाइव थ्री, माइनस में फाइव ए का वैल्यू कह रहा है, फाइव ए का वैल्यू अभी आया फिफ्टीन, फाइव माइनस फाइव और टेन, और क्या कह रहा, प्लस में सेवन आई, सेवन आई का वैल्यू अभी आया है सेवन जीरो जीरो सेवन, यह हो गया। अब सबको जोड़िए क्या बनेगा, इकट्ठा हम जोड़ दे रहे हैं, देखिए आठ सात पंद्रह, एट सेवन फिफ्टीन, और यह माइनस फिफ्टीन करना है, जीरो हो जाएगा, फाइव प्लस में है जीरो, फाइव हो जाएगा, माइनस फाइव करना है जीरो, माइनस फाइव और यहां प्लस जीरो हो जाएगा, माइनस वन प्लस में फाइव जीरो हो जाएगा, थ्री और सेवन टेन, टेन माइनस में करेंगे जीरो, यही कह रहा है, ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स ने बताया था ना, नल मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स यही है, वो आप लोगों को आ गया होगा समझ में, नोट कर लीजिए। अब देखिए नाइन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ये सब वैल्यू दिया मैट्रिक्स के रूप में, जीरो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सेवन क्वेश्चन की तरह है, आप लोग खुद लगाएंगे कैसे, देख लीजिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा फिर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपने आप कंपेयर कर लेंगे, ये जीरो मैट्रिक्स है, कंपेयर कर लेंगे आ जाएगा, अभी सेवन को नंबर क्वेश्चन बताए सेम इसी तरीके से, ठीक है ना, आ जाएगा। टेन क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, टेन क्वेश्चन नंबर थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, उसको थोड़ा क्वेश्चन नहीं नोट कर रहे हैं, केवल समझा दे रहे हैं नोट करके, कोई मार्केट में पहला और दूसरा, कोई मार्केट में है, ये पहली कंपनी है दूसरी कंपनी है, कोई कंपनी है वो प्रोडक्शन कर रहा है एक्स वाई जेड के रूप में,
ये 10,000 का है, 6,000 का है, 2,000 का है, 20,000 का, 18,000 का, 8,000 का है। उसपे पहला कह रहा है सेलिंग प्राइस दिया गया है, ठीक है ना, बिक्री कर दिया है एक्स पे 2.5, यानी 2.5 रुपया है, एक 1.5 रुपीज है और ये 1 रुपीज है। तो इसका रेवेन्यू बताना है, टोटल से मैंने सेलिंग प्राइस बताना है, बिक्री का टोटल बताना है, और सीपी का वैल्यू क्या दिया है, एक्स पे 2 रुपया है, वाई पे 1 रुपया है और ये 50 पैसा है। इसका प्रॉफिट बताना है, कितना प्रॉफिट हो जाएगा, ये सब रुपये में है, ठीक। आइए सॉल्यूशन डायरेक्ट देखिए, इसको कह रहे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, ये भी याद रहे, मैट्रिक्स का चैप्टर है तो मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करेंगे ना। सॉल्व करिए, पहले इसको मैट्रिक्स बना लीजिए, उसे दिमाग में दौड़ाइए। अगर 10,000 का है प्रोडक्शन हो रहा, उस पे 2 रुपये का लागत आ रहा, तो कितना हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्ट लिखेंगे पहले, इसे इट इज रिटन बाय मैट्रिक्स फॉर्म। तो 10,000 यहां पे 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000, इसके साथ मल्टीप्लाई की, पहला है ए का ही सॉल्व कर रहे हैं, कितना है 2.5 पहले पे, इस पे 1.5 है, 1 है, मल्टीप्लाई करिए क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करिए क्या बनेगा, इसका यहां मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2.5 ये हो जाएगा 2.5। अब इसके बाद कितना जीरो है, 1, 2, 3, 4, 0, 4 0 है, 1 0 से कैंसिल होकर 3 0 आ जाएगा, 1, 2, 3, 0, और प्लस लगा दीजिए कितना बनेगा, 2 है और यहां पे 15 है, कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30, यानी 30 के बाद कितना है, 1 पॉइंट पे यहां है 2 है, 2 3 0 है, 2 0 बचेगा, 30 के कारण 2 0, और प्लस लगाइए और क्या बनेगा, 18 का 18 ही हो जाएगा, कितना 0 है, 3 0, वैसा लिख लीजिए। यहां भी इसी तरीके से कितना हो जाएगा, 25 6 25 6 150 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 0 यहां से है, 1 0 पॉइंट के कारण हट कर 2 0 बचेगा, ठीक है, प्लस में 15 2 जा 30 30 हो गया। अब 2 2 4 0, 1 0 कैंसिल होगा, 3 0 बनेगा, 1 2 3 0, फिर प्लस लगा दीजिए वही रहेगा, 8 के बाद 3 0, जोड़िए क्या बनेगा, 3 0 ऐसे है, 3 0 और क्या बनेगा, 3 0 सब में था वैसे आ गया, 8 3 11 और 5 16 1 हो जाएगा, 1 1 2 2 और 2 4, इसी तरीके से यहां 3 0 सब में है, 1 2 3 0, उसके बाद 8 यहां नहीं है, यहां है 8 5 13 1 हो गया, 3 1 4 4 1 5, क्या चीज हुआ है, इसके एक्स पे जो रिवेन्यू बन रहा है फर्स्ट के लिए क्या बना, फर्स्ट के लिए 46,000 सेलिंग प्राइस हो गया है, और सेकंड के लिए क्या बन जाएगा, सेकंड के लिए सेलिंग प्राइस का वैल्यू 53,000, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस है, एसपी का वैल्यू है, यहां लिख दे रहे हैं। इसी तरीके सब सेकंड पार्ट है इसका, बी का पार्ट, ये बी पार्ट छोटे में थोड़ा लिख दे रहे हैं, बी पार्ट क्या बनेगा, ये तो रहेगा ही 1 0, कितना 4 0 है, 4 0, फिर 2 के बाद 3 0, फिर 18 के बाद 3 0,
सिक्स के बाद थ्री जीरो, टू के बाद फोर जीरो, एट के बाद थ्री जीरो। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? वहां है टू वन जीरो पॉइंट फाइव, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करिए क्या बनेगा, अब देखिए इधर लिख दे रहे हैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट, ठीक ना, जगह कम होने के कारण क्या बनेगा, इसका वन का टू में मल्टीप्लाई टू हो जाएगा, कितना जीरो, फोर जीरो। वैसे जीरो का जरूर ध्यान रखिएगा इसी तरीके से, प्लस टू का मल्टीप्लाई वन में करेंगे टू हो जाएगा थ्री जीरो, प्लस अब क्या हो जाएगा एटीन, अठारह पीछे नब्बे, नाइन्टी के बाद कितना जीरो, अठारह पीछे नब्बे ये एक दो तीन जीरो, एक जीरो कम हो जाएगा दो जीरो, दो जीरो। फिर यहां पे सिक्स टू या ट्वेल्व है तो थ्री जीरो, थ्री जीरो हो गया, फिर वैसे ही रहेगा टू के बाद वन टू थ्री फोर जीरो, प्लस आठ पंद्रह चालीस के बाद दो जीरो, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दिए हैं, अब इसी तरीके से ऐड कर लीजिए क्या बनेगा, थ्री जीरो थ्री जीरो थ्री जीरो, वन टू थ्री जीरो, फिर यह नाइन बचा है टू, नाइन टू इलेवन, इलेवन हो जाएगा, टू वन थ्री हो जाएगा। फिर इसके बाद थ्री जीरो है, वन टू थ्री जीरो, फिर फोर है, फोर टू सिक्स हो जाएगा, टू वन थ्री हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, ये किस में आ रहा, सीपी के रूप में आ रहा है, लिख सकते हैं सीपी। यह क्या आया, सीपी आया किसके लिए, फर्स्ट मार्केट के लिए, फर्स्ट मार्केट के लिए सीपी कितना बनेगा, थर्टी वन थाउजेंड। इसी तरीके सेकंड मार्केट के लिए क्या बनेगा, थर्टी सिक्स थाउजेंड। यहां फिर से देख लीजिए, ये मार्केट दिया गया था, स्पेस एसपी अलग अलग दिया गया था, उनका रेवेन्यू बताना था, सेलिंग प्राइस टोटल बताना था, तो क्या हो जाएगा, पहले के लिए दूसरे के लिए मल्टीप्लाई कर लिए, ये सेलिंग प्राइस हो गया फर्स्ट मार्केट के लिए, सेकंड मार्केट के लिए हो गया। इसी तरीके से बी में सीपी दिया गया, सीपी का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट के मार्केट के लिए सीपी निकाल लिए, सेकंड के लिए सीपी निकाल लिए। हमको निकालना क्या, प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर फर्स्ट मार्केट, फर्स्ट मार्केट के लिए सीपी क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसके लिए, देखिए पहले के लिए कितना आया था, 46,000, 46,000 माइनस इसके लिए कितना आया, 31,000। सबट्रैक्ट करिए कितना बनेगा, ट्रिपल जीरो ऐसे आ गया है, फिर सिक्स से वन निकाले फाइव और फोर से थ्री निकाले वन, 15,000 प्रॉफिट फॉर किसके, सेकंड मार्केट, सेकंड मार्केट के लिए क्या बनेगा। यहां देखिए क्या था, सेकंड मार्केट के लिए 53,000 है, एसपी का वैल्यू 53,000 माइनस सीपी का वैल्यू कितना आया, 36,000 है, घटा लीजिए कितना बना, ट्रिपल जीरो आएगा ही, इसके बाद कितना, 13 से 6 निकाले 7, यहां 4 से 3 निकाले हुआ, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट फर्स्ट मार्केट के लिए, सेकंड मार्केट के लिए। यहां क्या था, एसपी का वैल्यू फर्स्ट मार्केट के लिए, सेकंड मार्केट के लिए,
आने समझ में आप लोगों को, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था इसलिए क्वेश्चन को नहीं लिखे हैं, बुक का यूज करके आप लोग लिख लेंगे। आप लोगों को आ गया होगा समझ में। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे यक्स मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को बताना है, बी को बताना है, जबकि यक्स इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया गया, इस यक्स का वैल्यू बताना है क्या होगा, केवल यक्स मैट्रिक्स आप यक्स बताना है, ठीक है ना। इसके पहले यक्स वाई जेड जैसे था, तो इसी तरीके से इस मैट्रिक्स के यक्स का वैल्यू बताना है। तो लेट जो मैट्रिक्स यक्स इज इक्वल टू होगा, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिख लीजिए, क्या हो जाए ए बी डी ई। अब देखिए क्या बनेगा, इसका मल्टीप्लाई करिए, ए वैल्यू रखिए पहले, ए बी डी ई है क्या, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 7 8 9 2 4 6 ये सब माइनस है, ठीक है ना समझ में। एक्स का वैल्यू ए बी डी ई कुछ इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि ये किस आर्डर का, 2x3 है, तो ये भी कॉलम 2 ही होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए का 1 में क्या बनेगा, ए बी का 4 में 4b, ए का 2 में 2a, बी का 5 में 5b, ए का 3 में 3a, बी का 6 में 6b, डी का 1 में डी, 4e, 2d, 5e, 3d, 6e इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। रिस्पेक्टिव एलिमेंट को कंपेयर कर लीजिए, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर ले, लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करिए, कंपेयर करिए, यहां से a प्लस 4b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7, 2a प्लस 5b का वैल्यू -8, 3a प्लस 6b का वैल्यू -9, ठीक है। तो इतना पहले सॉल्व कर लें, अभी अगला कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर लीजिए सब में, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 का डिवाइड करेंगे, -3 हो जाएगा। अब क्या इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, इस वैल्यू को यहां रख लीजिए, ए प्लस 2b इज इक्वल टू -3, दोनों को माइनस कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 4b से 2b निकालेंगे क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू -7, ये +3 है, सबट्रैक्ट करिए क्या बनेगा, माइनस में 4, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू माइनस में 2, ये हो गया। अब b का वैल्यू हो गया, तो इसी से यहां से a का वैल्यू निकाल ले रहे हैं, a प्लस में क्या बनेगा, 4 × -2 इज इक्वल टू -7, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7 और माइनस माइनस इधर जाकर प्लस में, 4 × 2 = 8 इज इक्वल टू कितना, 1 हो जाएगा। अब a का वैल्यू b का वैल्यू आ जा इसमें रखकर चेक कर लीजिए, चेक करिए क्या इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा, तो मैं सही है, सेटिस्फाई भी होना चाहिए, तो a का वैल्यू यहां रखिए। अब यहां से देख लीजिए इसके बाद का स्टेप यहां है, याद रहे, ए का वैल्यू रखिए, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, फिर बी का वैल्यू -2 है, 5 × 2 = 10, -10 इज इक्वल टू -8, तो -8 इज इक्वल टू -8 आया, सही है, ए बी का वैल्यू सही है। इसी तरीके से अगला कंपेयर करिए, ठीक है ना। अब यहां हम लिख दे रहे हैं, कंपेयर करिए, ये d प्लस 4e का वैल्यू कितना होना चाहिए, फर्स्ट 2 होना चाहिए, इसी तरीके से 2d प्लस 5e इज इक्वल टू 4 होना चाहिए, और क्या बनेगा, 3d प्लस 6e इज इक्वल टू 6,
ये है। अब इसमें फिर इसे डिवाइड कर लीजिए तो क्या बनेगा, डी प्लस ई इज इक्वल टू टू ई, थ्री टू या सिक्स इज इक्वल टू, बताइए थ्री टू या सिक्स, ये टू हो जाएगा। अब क्या बनेगा, इसको यहां पे सब्ट्रैक्ट करिए, यानी लिख दें पहले डी प्लस फोर ई इज इक्वल टू टू, माइनस करिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू ई इज इक्वल टू क्या है, कैंसिल होकर जीरो, ई का वैल्यू जीरो, ई का वैल्यू जीरो हो गया। अब इस ई का वैल्यू को कहां रखें, इसमें रख दें, तो यहां देखिए क्या बनेगा, डी प्लस में जीरो इज इक्वल टू टू, डी का वैल्यू टू हो गया। अब यहां से ई और डी का वैल्यू इस पे रखकर भी चेक करेंगे क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखिए डी की जगह क्या रखना, टू रखना, टू टू या फोर प्लस जीरो इज इक्वल टू फोर, फोर इज इक्वल टू फोर, यानी सही है। देयरफॉर मैट्रिक्स क्या बनेगा, देयरफॉर मैट्रिक्स अभी क्या बनेगा, एक्स का वैल्यू ए बी कहा गया था, तो एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू, यहां लिख दे रहे हैं एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू आया क्या, वन आया है, वन हो गया। फिर बी का वैल्यू, बी का वैल्यू माइनस टू आया, माइनस टू हो गया। फिर उसके बाद क्या माना गया, डी माना गया, डी का वैल्यू टू आया है। फिर इसके बाद ई का वैल्यू, ई का वैल्यू यहाँ पर आया है जीरो, तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ये होगा। आया ना समझ में, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए क्या ये दिया गया था, ये दिया गया मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू बताना था, ये एक्स मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है, इसको इधर भेज देंगे डिवाइड हो जाएगा, यानी पहले इनवर्स निकालिए, तो इनवर्स अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा बताए हैं, मैट्रिक्स में था बताया नहीं, उसी का यूज कर लेते, यहाँ एक्स इज इक्वल टू ए बी डी ई लिख दिए, क्यों इसी ऑर्डर में लिखे, क्योंकि टू क्रॉस थ्री है तो इसका कॉलम टू ही होना चाहिए, इसके कॉलम टू रो होना चाहिए, इसलिए ऐसा लिखे हैं। इसका आपस में मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लिए, पहले रो के रिस्पेक्टिव में मल्टीप्लाई किए, करेस्पॉन्डिंग संगत है अवयव के साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिए, सब हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। यहाँ से ए और बी का वैल्यू आया, सेम इसी तरीके सेकंड का कंपेयर करके सॉल्व कर लिए, ई और डी का वैल्यू आया, यहीं पे एक्स पे रख दिए, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, इतना नोट करिए तब बता रहे हैं। अब देखिए ये कह रहा है, इफ ए बी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी बी ए इक्वल है, देन प्रूव दैट, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से सॉल्व करना है, इसके पहले मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व भी किए थे, देख लीजिए कैसे होगा सॉल्व, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, कह रहा है इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो यहां से ए बी के पावर एन इज इक्वल टू बी के पावर एन ए, यही है ना, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब केस फर्स्ट, केस फर्स्ट फर्स्ट में होता क्या है, केस फर्स्ट में बताए एन इज इक्वल टू वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ एल एच एस आर एच एस देखिए, एल एच एस का वैल्यू देखिए क्या बन रहा, ए बी पावर वन है, आर एच एस का वैल्यू देखिए क्या बनेगा, यहां भी हो जाएगा क्या बी ए, तो आया ना ए बी इज इक्वल टू बी ए हो गया, अभी था ही ए बी इज इक्वल टू बी, यानी इज इक्वल टू वन के लिए टू हो गया। केस सेकंड में क्या बताया थे, केस सेकंड में यानी इज इक्वल टू आर रखने के लिए, तो आर रखी, ए बी के पावर आर इज इक्वल टू बी के पावर आर इंटू ए, क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे पहले से ही इट इज ट्रू, ठीक है, फॉर यानी इज इक्वल टू आर, पहले से मान लिया जाता है कि यानी इज इक्वल टू आर के लिए ट्रू है, तो केस कौन सा आप निकालेंगे, केस थर्ड देखिए, थर्ड केस में क्या रखते हैं, यानी इज इक्वल टू आर प्लस वन, यानी इज इक्वल टू आर प्लस वन, एल एच एस देख लीजिए, इसका एल एच एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही है, तो ए बी की पावर क्या हो जाएगा आर प्लस वन, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी के पावर आर इंटू बी अलग से लिख सकते हैं। अब देखिए ए बी, ए बी पावर आर की जगह क्या लिख सकते हैं, बी के पावर आर, यही तो है, देखिए ए बी पावर आर की जगह लिख सकते हैं बी पावर आर इंटू ए
इंटू बी पहले से। अब इसको क्या लिख सकते हैं, बी के पावर आर ए बी ये है, और ये दिया है ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। यहाँ बी के पावर आर इंटू ए बी की जगह दिया है बी ए लिखने के लिए, तो बी ए लिख लीजिए, बी ए लिख लीजिए। अब ये पावर वन है आर, मिलकर क्या हो जाएगा बी के पावर आर प्लस वन इंटू ए, हो गया है ना ये। अब इसी का आर एच एस लिख दीजिए, आर एच एस का वैल्यू देखिए क्या बनेगा। आर एच एस में क्या है, क्वेश्चन तो यही था ना। अब बी के पावर कितना हो जाएगा आर प्लस वन इंटू ए, दोनों सेम है ना। अब इसी का सेकंड पार्ट देख लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट इसी का क्या कह रहा है, कह रहा है यह प्रूव करने के लिए, आल्सो प्रूव ए बी के पावर एन इज इक्वल टू ए के पावर एन बी के पावर एन फॉर एनी बिलोंगिंग टू इंटीजर। तो यहां भी केस फर्स्ट लिख लीजिए, केस फर्स्ट में क्या होता है, एन इज इक्वल टू वन रखा जाता है, तो एलएचएस देखिए, एलएचएस का वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। इसी तरीके से आर एच एस का वैल्यू भी देख लीजिए, आर एच एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा ए बी, दोनों सेम हो गया, एल एच एस आर एच एस सेम हो गया। अगला केस देखिए, केस सेकंड देखिए, इसके लिए एन इज इक्वल टू आर रखते हैं, यहां लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू आर रखिए। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी के पावर आर इज इक्वल टू ए के पावर आर बी के पावर आर, लिखेंगे ही इसको, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू आर, पहले से मान लिया जाता है एन इज इक्वल टू आर के लिए ट्रू है। तो केस थर्ड देखी, केस थर्ड में क्या बनेगा, एन इज इक्वल टू आर प्लस वन का यूज करते हैं एलएचएस में। कई क्वेश्चन इस टाइप को बता दिए सेकंड ईयर में भी आपके, फर्स्ट ईयर में था ही मैथमेटिकल इंडक्शन घटिया आगमन भी, तो एन इज इक्वल टू आर प्लस ए रखिए, ए बी के पावर आर प्लस वन, इसको क्या लिख सकते हैं ए बी के पावर आर, और क्या ए बी अलग कर लीजिए, ए बी के पावर आर अलग और ए बी अलग कर लीजिए। और अभी ए बी पावर आर की जगह क्या लिखी है, ये देखिए, देखे ही है ए के पावर आर बी के पावर आर इंटू ए बी है ही, ठीक इंटू ए बी तो है ही। अब क्या करें, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी को दिया गया बी ए लिख सकते हैं, यहां देखिए क्या बनेगा, ए के पावर आर बी के पावर आर ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं बी ए, बी ए लिख सकते हैं, बी ए लिखिए क्या बनेगा, तो यहां से हो जाएगा ए के पावर आर और ये वन हो जाएगा बी के पावर आर प्लस वन, ये हो गया इंटू ए। अब देखिए ये इसको भी एक साथ लिख सकते हैं, लाइए इधर क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट ए के पावर आर, अभी यहां आया ना ए बी पावर एन इज इक्वल टू बी पावर एन ए, तो ये इंटरचेंज कर लीजिए, इंटरचेंज करिए क्या हो जाएगा ए और बी के पावर आर प्लस वन अलग, अब इन दोनों को एड कर लीजिए क्या बनेगा, ए के पावर आर प्लस वन बी के पावर आर प्लस वन। इसका आर एच एस देख लीजिए, आर एच एस का वैल्यू क्या है, आर एच एस जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे एन की जगह क्या रखना है, ए के पावर आर प्लस वन बी के पावर आर प्लस वन, देख रहे हैं यहाँ और यहाँ दोनों सेम है, इंडक्शन मेथड से हो गया, इजी था। अगर फर्स्ट ईयर में आप सीखे हैं तो और इजी हो जाएगा, नहीं सीखे तो इसमें कई क्वेश्चन इंडक्शन का बताए, इस एक्सरसाइज में इंडक्शन का कई क्वेश्चन बताए, तो आइए वो आप लोगों को समझ में आया है, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन नंबर, इफ ए गिवन है एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन इसमें ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा सही है, तो सॉल्व करिए अपने आप पता लग जाएगा कौन सा सही है। इसका सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन में सब जगह देखिए लिखा गया है अल्फा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आई दिया है, तो पहले ए स्क्वायर कर लीजिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा,
इसी का मल्टीप्लाई करना है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा से। मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इधर ये इधर प्लस में बीटा गामा, ठीक है ना, और क्या बनेगा इसका यहाँ इसका यहाँ, चलिए लिख दे रहे हैं डाउन डायरेक्शन में, फिर अल्फा बीटा माइनस में अल्फा बीटा गामा अल्फा माइनस में गामा अल्फा, गामा बीटा माइनस में अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा से ये गामा अल्फा से ये कैंसिल होकर क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा जीरो जीरो गामा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, क्या रहा है ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई कह रहा, तो बना लीजिए ए स्क्वायर का वैल्यू आई, इसका वैल्यू ए स्क्वायर का वैल्यू यही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा जीरो जीरो गामा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट है जीरो जीरो वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एलिमेंट नहीं। कंपेयर कर लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा का वैल्यू वन होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए गामा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू वन होना चाहिए। तो किस रूप में लाना है, इसको इधर ला दीजिए या इस सबको इधर ले जाइए, तो वन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा हो जाएगा, यहां से वन माइनस माइनस प्लस में अल्फा स्क्वायर माइनस गामा बीटा इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, इसी में से कोई है वन माइनस वन प्लस अल्फा स्क्वायर और गामा बीटा, देखिए ये क्या है, ये प्लस है जबकि यहां माइनस है, नहीं मैच कर रहा, वन माइनस वन प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा ये डी मैच कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये मैच कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए वन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, वन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, इसके कारण तो ये मैच कर रहा है, दो दो नहीं मैच करेगा, गलती हो गया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा ये प्लस रहेगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब कौन सा मैच कर रहा है, अब तो ये रॉन्ग है, वन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा ये सी सही है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, नोट कर लीजिए ऑप्शन का ए 14 कह रहा है इफ द मैट्रिक्स ए इज द बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऑप्शन में क्या होगा, कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जो सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो ऑलवेज हमेशा क्या होगा ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बताना है, क्यों होगा क्योंकि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या बताए थे, स्क्यू सिमेट्रिक में बताए थे डायगोनल पे जीरो होना चाहिए, बाकी मान लीजिए यहाँ पे ए है बी है और यहाँ पे सी है, तो वही ए बी सी यहाँ होना चाहिए, और क्या नीचे मान लीजिए माइनस कर दिया गया तो ऊपर प्लस रहेगा, कुछ इस टाइप का। इसी तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बताए थे, सेम टू सेम बताए थे, ये तभी संभव है जब जीरो होगा, क्यों, क्योंकि देखिए डायगोनल तो हो नहीं सकता, स्क्वायर हो नहीं, स्क्वायर तो बहुत सारा होता है, हमेशा यही हो जाएगा। अगला है 15 इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 ए का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसी प्रश्न से ही क्यूब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आई क्यूब प्लस ए क्यूब, और क्या हो जाएगा आई क्यूब प्लस ए क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस में 3 आई इंटू ए ब्रैकेट में आई प्लस ए माइनस 7 ए, आई क्यूब का वैल्यू भी आई होगा, प्लस ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, प्लस में 3 आई ए का मतलब 3 ए ही होगा, 3 ए ही होगा ब्रैकेट में आई प्लस ए माइनस 7 ए। अब देखिए क्या हो जाएगा आई है ए स्क्वायर
ए स्क्वायर की जगह ए हो जाएगा, प्लस में ए इंटू ए, प्लस में मल्टीप्लाई करिए थ्री ए इंटू आई प्लस थ्री ए इंटू ए माइनस सेवन है। अब क्या बन जाएगा देखिए, आई प्लस में ए स्क्वायर प्लस में थ्री ए इंटू आई मिलकर ए ही बनेगा, प्लस में थ्री ए स्क्वायर माइनस सेवन है। अब यहां हम लिख दे रहे हैं, कुछ सॉल्व कर दे रहे हैं पूरा, आई प्लस में ए स्क्वायर और थ्री ए स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस में फोर ए स्क्वायर प्लस में थ्री ए और क्या बनेगा, माइनस में सेवन ए। सही है ना, देखिए ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का वैल्यू ये रखना है, तो आई प्लस फोर ए प्लस थ्री ए माइनस सेवन ए कितना हो जाएगा, आई प्लस में फोर थ्री मिलकर सेवन ए माइनस सेवन ए कैंसिल होकर आई बच रहा, आई आएगा यानी यह नहीं बल्कि ये आंसर सही हो जाएगा। अभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, अभी इस एक्सरसाइज को आप लोग नोट्स बनाकर हमारे पास सेंड करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि इसका लाभ और लोगों को भी मिले, ठीक है ना, इसका लाभ और लोगों को भी मिले। तब तक के लिए।